चांद में सितारे। स्वाद लखनवी खाने का। मुसाफिर रेडिसन में हो रहा है 10 दिन का जायकाए अवध फूड फेस्टिवल, जिसमें है खाने की ढेर सारी वैरायटीज। और इस बार स्पेशल है लखनवी खाना, और इस यमी खाने को एंजॉय करने यहाँ पहुँचे हैं कई सितारे, जैसे कि कुल्फी यानी कि आकृति शर्मा, तारक मेहता यानी सचिन श्रॉफ, गुरदीप पूंछ पहुँची अपने परिवार संग, इसके अलावा यहाँ पहुँची वाहबिस और प्रिया वलेचा। तो आइए देखते हैं इन सितारों ने आज कौन कौन से स्वाद का मजा उठाया। जायका नंबर एक। जायका अवध में आकर सुहागन की बिंदिया यानी कि आकृति शर्मा खाने की दीवानी हो गई। तो आइए आकृति से ही जानते हैं आज उन्होंने क्या कुछ चखा। भाई खट्टी मीठी पानी पूरी खाने के बाद उन्होंने पूरी मील खाई और इस लखनवी खाने की दीवानी हो गई। हाय, आई एम आकृति शर्मा और आज मैं आई हूँ मुसाफिर में जायका अवध, सो आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स गो, टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चाट काउंटर पे। तो वी आर एट द चाट काउंटर। तो आप बताइए यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है? आप पानी पूरी दे दो। आई लव पानी पूरी। स्पाइसी। तो मुसाफिर जो है वो रेडिसन में है और आज उनका पहला फूड फेस्टिवल है और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो हम खाना स्टार्ट करते हैं पानी पूरी से। ऑफ कोर्स मुझे ऐसे एकदम नॉर्थ का टेस्ट आया, बहुत टेस्टी था ये। अब देखते हैं नेक्स्ट हम क्या खाएंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत पनीर एकदम लखनवी वाला लग रहा है, बहुत टेस्टी है। पनीर मुझे हमेशा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, पनीर मेरा फेवरेट है। मेरा माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया, पहले मैंने जो पानी पूरी खाई सो टेस्टी और फिर ये कबाब एंड ऑल बहुत टेस्टी है। जायका नंबर दो। सीरत तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले सचिन श्रॉफ यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ ये हो गए हैं इन डेजर्ट्स के दीवाने। भाई आज तो तारक मेहता यानी कि सचिन ने डाइटिंग को कह दिया है बाय बाय और आज वो दिल खोलकर इन डेजर्ट्स का मजा उठाने वाले हैं। हाय, सो आई एम एट जायका अवध एट मुसाफिर एट रेडिसन गोरेगांव वेस्ट एंड यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से सारा का सारा प्रेजेंटेशन किया हुआ है स्वीट्स का। मैं शुरुआत करूंगा शाही टुकड़े से, लेट्स सी। ये जो है ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, आई कांट टेल यू, लेट्स ट्राई समथिंग। आज मैं सोचकर आया था कि अगर 1-2 किलो बढ़ भी जाएगा तो भी चल जाएगा। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। मालपुआ है, वाह, ये भी ट्राई करना चाहिए मुझे लगता है। एंड बाय द वे ये मैं अकेले नहीं खाने वाला हूँ, तो आप ये मत सोचेगा कि कितना खाता है। मैं प्रॉपर डाइट पे रहता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने आप को खाने के मामले में फ्री छोड़ना ज़रूरी है ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। यहाँ पर क्या है, आई थिंक हम आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए ये देखिए ये प्यारे से लड्डू, सुंदर सुंदर लड्डू। ट्राई वन, पता है ये देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना कि ऐसा लगता है ना कि इसको छेड़ो मत, ये जैसा का जैसा रखे ना प्रेजेंटेबल वैसा का वैसा रहे, इसको छेड़ो मत वरना इसकी जितनी सुंदरता ना वो ख़राब हो जाएगी। लेट मी जस्ट ट्राई द गुलाब जामुन ऑल्सो।
तो जैसे कि मैं बता रहा था, ये सब मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मेरी फैमिली भी है, तो मैं सबके लिए प्लेट में लेकर रख रहा हूँ ताकि सब लोग उसको एंजॉय कर सके। लेट्स ट्राई दिस। हाँ, ये मेरा फेवरेट है, ब्लूबेरी चीज़ केक इज जो ये है ना, दिस इज लाइक माई फेवरेट। चॉकलेट मेरे हाथ पे थोड़ा सा लग गया। और ये क्या है? ऑरेंज जेली, ट्राई करके देखें, बचपन याद आ जाएगा। हाँ, यहाँ से शुरू होता है सारा का सारा। हाँ, लस्सी भी है, ठंडाई भी है, लस्सी ट्राई कर सकते हैं। अब मुझे लगता है मुझे दूसरी प्लेट लेनी पड़ेगी बिकॉज उसमें जगह नहीं है। मैं आपसे 2 मिनट के बाद मिलता हूँ। मेरा फेवरेट जो है वो गुलाब जामुन है और ये ब्लूबेरी चीज़ केक। मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस भी हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि रात को 8 बजे तक खाना खा लूँ और कम से कम दूसरे दिन 10-10:30 के बाद ही कुछ भी खाऊं। इसे हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि फास्टिंग का पीरियड रहता है जिसमें आपकी बॉडी जो होती है ना, वो जितना भी ये सब हम खा रहे हैं अच्छा अच्छा खाना, उसको अच्छी तरह से पचा सकती है। ऐसे तो गुलाब जामुन इज़ ऑल टाइम फेवरेट, बट बहुत सब मिठाइयाँ, ऐसी कोई पर्टिकुलर मिठाई नहीं है, बट हाँ काजू कतली बहुत अच्छी लगती है। एंड या गुलाब जामुन इज़ ऑल टाइम फेवरेट। जायका अवध है, मतलब दिस इज़ अ जर्नी ऑफ अ फूड फ्रॉम अवध। अवध इज़ अगेन लखनऊ, जो पहले उसको अवध कहा जाता था। हमने इसलिए फेस्टिवल चूज़ किया है कि इसमें काफ़ी सारे जो फूड में मसाले हैं ये हमने लखनऊ से लाए हैं, प्लस हमारे जो शेफ़ हैं, जो शेफ़ कुरैशी हैं, वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसा फेस्टिवल करें जो हमारे शेफ़ हमारे हैं और प्लस उनको उसका अच्छा खासा नॉलेज भी है, तो इस वजह से हमने फेस्टिवल करने के लिए सोचा। ये मुसाफिर है, मतलब यहाँ पे ऑथेंटिक इंडियन क्यूजीन सर्व किया जाता है, तो ये हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि इसमें इंडियन फूड फेस्टिवल किया जाए। बिल्कुल मिलेगा आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शेफ़ कुरैशी वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर है कि उसमें जो टेस्ट उनके हाथों में है वो तो होगी, प्लस हमने जो मसाले यूज़ करे गए हैं उसके अंदर वो हमने लखनऊ से लाए हैं, हमने खुद से कुछ मसाले लाकर पीसे हैं, और हमने जितना चाह मैक्सिमम हमने ऑथेंटिक रखा है फूड को, तो हो सकता है ज़रूर ये ऑथेंटिक फूड रहेगा और आपको लगेगा कि आप लखनऊ में हो। ये हमारे पास आज जो नवाबी पुदीना अदरक का शोरबा है, ये प्योर वेजिटेरियन है और ये काफ़ी मसाले इसमें यूज़ किए जाते हैं जो कि इसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। ये बहुत ही फेमस आलू की तहारी है, आलू और मटर की तहारी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटियां हैं जिसमें ताफ्तान है, बाद में खस्ता रोटी है, ये बहुत सारी तरह के रोटियां हैं इसमें। ये दाल सुल्तानी बहुत ही स्पेशली बनती है जो माश की दाल से बनती है और इसका जायका बिल्कुल लाजवाब। ये गोभी मुसल्लम, ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है अवध की, जिसमें मावा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये पनीर है, ये कोफ्ते हैं, जो कोफ्ती करी बनती है जो वाइट ग्रेवी बनाई गई है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जायकेदार है। अब हमारे नॉनवेज सेक्शन है, इसमें दम का मुर्ग, जो अवधी दम का मुर्ग होता है इसके अंदर, इसके जो मसाले बनते हैं वो स्पेशली अवध से आते हैं और इसकी मतलब इसका जो मसाले चूज़ करते हैं वो शेफ़ के ऊपर अपना होता है, और उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से आज की बहुत ही उम्दा डिश है। ये प्रॉन का सालन है, ये लखनवी पाया निहारी है, ये अवधी मटन कौरमा है, और हमारी बिरयानी तो मुसाफिर की बिरयानी हो या हम इसको, हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी है और इस पे हमने बहुत ही काम करा है और ये पूरे 10 दिन ये बिरयानी यहाँ पे रहेगी। जायका नंबर 3। भाई गुरदीप पुंज यहाँ पहुँची अपने पति अर्जुन और बेटे संग। भाई गुरदीप खुद भी एक शेफ है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आज कुकिंग शुकिंग भूलकर आज ये लखनवी खाने का मजा उठाने पहुंची है। हेलो, मैं हूँ गुरदीप पुंज और आज मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर हूँ एट रेडिसन होटल एट गोरेगांव। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है यहाँ पर आना, और मैंने सोचा आज फैमिली के साथ आती हूँ, अच्छे कबाब्स खाते हैं, थोड़ी बिरयानी खाते हैं, फिरनी खाते हैं और थोड़ा सा यू नो सेलिब्रेट करते हैं। सो प्लीज़, इट्स अ लवली प्लेस एंड इनका खाना बहुत अच्छा है, इट्स रियली गॉट दैट अवध का फील, द कबाब्स आर माउथ वाटरिंग, माउथ मेल्टिंग,
एंड मेरे बेटे का फेवरेट क्या है मैं आपको बताती हूँ. माहिर, व्हाट डू यू लाइक, चिकन टिक्का और चिकन काली मिरी कबाब्स? विच वन डिड यू लाइक? चिकन टिक्का. रियली? तो देखा आपने, हम बड़ों को साथ साथ बच्चों को भी कबाब्स बहुत पसंद है. एंड अर्जुन को क्या अच्छी लगी? आई एम श्योर अर्जुन को बिरयानी अच्छी लगी है. वेल एक्चुअली मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लगा है क्योंकि बहुत अच्छा स्प्रेड है. बस हमने शुरू ही किया है और इतना मज़ा आ रहा है, तो आगे पता नहीं, आज हम 3-4 किलो पुट ऑन करके जाएंगे. हाँ, और फिर वर्कआउट करना पड़ेगा जिसके लिए टाइम ही नहीं मिलता है. तो बस अगर आपको जश्न मनाने हैं तो यहाँ पर आइए रेडिसन एंड एंजॉय द मुसाफिर फेस्टिवल. अदरक की शोरबा, थोड़ा सा गला भी खराब है तो दैट अदरक विल रियली हेल्प मी टुडे. वाओ, अ वेरी गुड स्प्रेड ऑफ वेज एंड नॉन वेज बोथ. रियली नाइस, बहुत ही अच्छा स्प्रेड है. आई कैन सी मेथी, पालक का साग, खट्टी मीठी भिंडी विच आई लव. देन देयर इज अ स्प्रेड ऑफ नॉन वेज, दम बिरयानी, प्रॉन्स का सालन, अवधी मटन कोरमा. सो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा स्प्रेड है. एवरीबडी कैन एंजॉय वेज एंड नॉन वेज एंड आई एम गोना हैव अ ग्रेट टाइम. जायका नंबर 4, सीरियल बालवीर. बहू हमारी रजनीकांत जैसे सीरियल्स में काम करने वाली प्रिया वलेचा ने आज ठान लिया है कि वो हर एक स्वाद चखेंगी, चाहे फिर वो मीठा हो या हो तीखा या फिर हो ठंडाई. आज तो वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहती है. और देखिए सास बहू और बेटिया संग प्रिया जायके का मजा उठा रही है. Hi guys, this is Pia Valecha. Today I'm here at Radisson Goregaon. I've been invited by Musafir and we are here to attend their first food festival. Wow, Shahi Tukra. This is Malpua. And what is this? This is Jarda. Oh nice. Oh, this is also Pirni. This is for my sweet audience. This is really good. You must come and try out. वैसे I love desserts. मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन अगर मुझे मीठा खाना है और अगर मैं मुसाफिर में हूँ तो मैं इंडियन मीठा खाऊंगी. ये सब मीठा मैं नहीं खाऊंगी डेफिनेटली. शाही टुकड़ा. आई थिंक आई चेंज. फिरनी से ज़्यादा अच्छा मेरा मुझे शाही टुकड़ा लगा. सो आई थिंक दैट्स माई फेवरेट. ठंडाई. इट्स समर सीजन एंड आई थिंक सिंस इट्स समर सीजन मैं यहाँ की ठंडाई ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी. आई थिंक ठंडाई का एक सीज़न होता है. ठंडाई आप हर सीज़न में नहीं पी सकते, तो ठंडाई इज़ इट. लस्सी तो मैं हर 12 महीने पी सकती हूँ, सो लस्सी इज़ एब्सोल्युटली कॉमन. माई फेवरेट इज़ ठंडाई. फिटनेस का ये है ना कि मैं वंस अ वीक डेफिनेटली चीट करती हूँ, और जिससे मैं चीट करती हूँ उससे मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ. मैं सारे के सारे क्रेविंग्स मीट कर लेती हूँ. और मोस्टली ना आई फॉलो इंटरमीडिएट फास्टिंग्स, तो जिससे मैं ड्यूरिंग द डे टाइम अपने सारे मीठे की क्रेविंग्स पूरी कर लेती हूँ. बहुत सुंदर और बहुत ही टेस्टी लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है. मैं सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं और मेरी ऑडियंस इसे खाएं और इसे खाते हुए जायका लें. जायका नंबर 5, जायका अवध फूड फेस्टिवल में पहुंची वाबिज अपनी दोस्त संग. वाबिज एक फूडी है और जहां ऐसा फूड फेस्टिवल हो वहां वाबिज ना पहुंचे ऐसा भला कैसे हो सकता है. हम लोग दोनों फूडीज हैं, तो मैंने प्रिया को फोन किया, कम ऑन लेट्स गो, बिकॉज वी लव कमिंग हियर टू द रैडिसन.
उनके जो दूसरे भी रेस्टोरेंट्स हैं आई हैव ऑलवेज बीन वेरी रेगुलर देयर एंड लखनऊई खाना तो मैंने उसके बारे में इतना यू नो हमेशा सुना है सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड. अभी तक हमने जो थोड़े बहुत स्टार्टर्स यू नो खाए हैं एवरीथिंग इज़ अमेजिंग. द गलौटी वॉज रियली गुड. मैंने ये चिकन भी खाया, इट्स रियली नाइस. सो वी आर जस्ट अबाउट गेटिंग स्टार्टेड एक्चुअली. तो हम लोग आपको दिखाते रहेंगे व्हाटएवर वी आर ईटिंग. इनफैक्ट मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं हूँ सो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहीं फूड फेस्टिवल हो रहा है और मुझे खाना खाने का मौका मिला. तो भाई सितारों ने खाने के इस खजाने को तो लूट लिया और यमी यमी फूड खाकर अपना दिल खुश कर दिया. हम भी यही कहेंगे, आप भी फूड फेस्टिवल का मजा उठाइए. मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. क्या आ जाएगी यहाँ पर मुसीबतों की हाई टाइड पलकी की जिंदगी में, जिसे लेकर आएंगे शौर्य. लेकिन अब तो पलकी का साथ दे रहे हैं राजवीर. और क्या कुछ हो रहा है प्रीता की कहानी में आज, चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको कुंडली भाग्य के सेट पर, क्योंकि यहाँ भी कहानी में आया है एक बहुत बड़ा ड्रामा.